भाई लोग रोमन रेंज के लिए भी क्या WWE न्यू टाइटल प्लान कर रही है या न्यू टाइटल डिजाइन प्लान कर रही है? तो हाँ, रिपोर्ट्स जो आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बात कर लेते हैं हम लोग रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रिपोर्ट्स ये आ रही है कि WWE ने जब से रॉ पर एक न्यू टाइटल अनाउंस किया है जो कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है, इसके बाद WWE रॉ के टाइटल्स को भी यूनिफाई करने वाली है, स्मैकडाउन के टाइटल्स को भी यूनिफाई करने वाली है, रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को भी यूनिफाई करेगी, स्मैकडाउन की चैंपियनशिप को भी यूनिफाई करेगी, एंड भाई जो वुमेन्स रॉ टैग टीम चैंपियनशिप है उनको भी यूनिफाई करने वाली है, क्योंकि न्यू टाइटल, न्यू डिजाइन, न्यू नेम आने वाले हैं। हालांकि WWE ने ये रिपोर्ट में कन्फर्म नहीं करा कि क्या रोमन रेंज के बाद जो दोनों टाइटल है उनको भी यूनिफाई करके एक न्यू टाइटल बनाया जाएगा या उनको एक न्यू डिजाइन दिया जाएगा, क्या होने वाला है अभी तो कुछ नहीं बताता। लेकिन भाई अब जो रिपोर्ट्स आ रही है, रिपोर्ट्स ये आ रही है कि WWE अराउंड प्लान कर रही है कि समर स्लैम के आसपास रोमन रेंज को एक न्यू टाइटल दिया जाए, मतलब टाइटल होगा अनडिस्प्यूटेड लेकिन वो तो एक न्यू डिजाइन के साथ होगा एंड एक न्यू लुक होगी जो कि रोमन रेंज का एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होने की उसमें झलक दिखाई देगी। एंड भाई जो अब रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि मैकग्रेगर वाला मैच उनके साथ हो सकता है, तो वो बहुत सारी चीजें अभी कंफ्यूजिंग हो रही है, क्या मैकग्रेगर ही इसको एक न्यू टाइटल डिजाइन देंगे? तो भाई बहुत सारी इस वक्त इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग चीजें चल रही है WWE में। हालांकि ये भी एक रिपोर्ट एंड र्यूमर है जो कि मैंने आपको बताया कि क्या WWE रोमन रेंज को एक न्यू टाइटल डिजाइन देगी। वेल अगर ऐसा होता है तो भाई बहुत ज्यादा फैंस खुश हो जाएंगे, क्योंकि WWE ने जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड WWE चैंपियनशिप का सेम डिजाइन दे रखा है वो थोड़ा इतना ज्यादा अच्छा देखने में नहीं लगता। तो भाई अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओ आप लोग को क्या लगता है, क्या WWE समर स्लैम में रोमन रेंज का न्यू टाइटल लुक देगी? नीचे कमेंट में बताओ। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।